गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता ब्यूटी वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? तो आप इस बेबी गर्ल का हेयर देख सकते हैं और आज का जो हेयर कट है वो खास करके उन लोगों के लिए है जो नए नए सीख रहे हैं और आगे जाके वो अपना पार्लर करना चाहते हैं। तो उनको मैं बताऊंगी स्ट्रेट कट करना और बहुत ही इजी वे में वो कैसे कर सकते हैं और 2 मिनट्स में कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है हेयर कट करने के पहले हेयर को बहुत ही अच्छे से गीला कर लेंगे ताकि कटिंग करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और गीला करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे बड़ी बात तो हेयर जब हम कटिंग करते हैं तो बिल्कुल भी उड़ते नहीं हैं, इधर उधर फैलते नहीं हैं और साथ ही साथ जो कटिंग जो हेयर है वो बहुत ही अच्छे से स्ट्रेट हो जाता है कोम करने के बाद में। तो अच्छे से ट्रायंगल फ्री कर लेंगे हेयर को। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ ही छोटी सी बेल आइकन होती है तो उसको क्लिक कर लें ताकि आप मेरी लेटेस्ट वीडियो के साथ में अपडेट रह सकें। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। वीडियो अच्छा लगता है, अगर मेरे बताने और समझाने का तरीका आप सबको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें और कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताया करें कि आप सबको कैसा लगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छे से कॉम्बिंग कर ली है और अब मैं जो है कटिंग करने वाली हूँ। तो उसके लिए मैं उनसे लेंथ पूछ लूँगी पहले कि कितना शॉर्ट करवाना है उनको नीचे से, उसके बाद ही मैं कट करूँगी। तो इस तरीके से आपको करना क्या है, सामने से सीधी मांग निकालनी है क्राउन एरिया तक और उसके बाद सारे हेयर्स को पीछे की तरफ अच्छे से लाना है और कान के ऊपर से लाना है। उसके बाद 2 फिंगर्स के बीच में बिल्कुल टाइट आपको सेट करना है और कट कर देना है। ये देखिए कितना एक ही बार में कितना अच्छे से लुक आ जाता है। और उसके बाद एक बार दोबारा से रीचेक कर लेंगे। तो अगर आप न्यू हैं और आप अपना पार्लर स्टार्ट करना चाहते हैं, आप सीख रहे हैं, तो आप इस तरीके से जो है लेबल कटिंग कर सकते हैं। कोई सेक्शनिंग नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना आप, और बहुत ही ईजी वे में ये कम्प्लीट हो जाएगा और बिल्कुल अच्छे तरीके से। उसके बाद रीचेक कर लेंगे, कहीं पर भी ऊंचा नीचा लगेगा तो उसको जो है आप क्लियर कर लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कटिंग हो चुकी है। साथ ही साथ मैं आपको सेटिंग करना भी बताऊंगी। तो इस तरीके से थोड़े थोड़े सेक्शन वाइज आप बालों को उठाएंगे और पैडल ब्रश की हेल्प से इसको जो है ड्रायर लगाते हुए बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे ताकि सारे बालों में एक अच्छी सी शाइन भी आ जाए और साथ ही साथ हेयर अच्छे से सेट भी हो सके। इस टाइप से। और जब भी हम ड्रायर लगाते हैं तो ड्रायर बिल्कुल बालों से चिपका के नहीं लगाएंगे, कम से कम उसमें थोड़ी दूरी होनी चाहिए, कम से कम 1 इंच 1.5 इंच की दूरी बना के ही आप ड्रायर लगाएं। बिल्कुल हीट जो है बालों से टच करते हुए बिल्कुल भी नहीं देंगे क्योंकि हीट हमारे बालों के लिए अच्छा नहीं होता है। इसके लिए तो आप देख सकते हैं मैं जब भी ड्रायर लगाती हूँ तो थोड़ा दूरी बना के ही लगाती हूँ। और समर्स है तो आप पहले बालों की क्वालिटी देख लें, उसके बाद ही आप टेम्परेचर सेट करें। जैसे इसमें भी 2 से 3 मूड होते हैं, जैसे कोल्ड होता है, हॉट होता है और उससे ज़्यादा और ज़्यादा गर्म, मतलब कि ठंडा गर्म और उससे भी ज़्यादा गर्म, 3 तरीके से चलता है। तो आप पहले बालों को देख लें, उसके बाद उसी हिसाब से सेट कर लेंगे और फिर ड्रायर चलाएँगे। तो थोड़ी सी दूरी बना के ही आप जो है ड्रायर हमेशा बालों पर चलाएँगे। तो जितना इन्होंने बोला उतना मैंने हेयर कट किया और आप देखेंगे इनका फाइनल लुक। और 2 मिनट में ही आपकी कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप सेटिंग करते हैं तो ओनली आपको 4 से 5 मिनट के अंदर आपका टोटल कटिंग और सेटिंग दोनों कंप्लीट हो जाएगा। और आज मैंने आप लोगों को शुरू से वीडियो दिखाया है, अप्रॉन बांधना भी बताया कि कैसे अप्रॉन बांधेंगे, उसके बाद में आप हेयर गीला करना, कटिंग करना, उसके बाद सेटिंग करना। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अभी तक आप लोगों ने मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को बहुत प्यार और सपोर्ट दिया है, ऐसे ही और आगे भी देते रहिएगा। थैंक यू सो मच और मिलती हूँ आप सबको एक नई वीडियो के साथ में। और इस तरीके से हेयर सेटिंग इनका कंप्लीट हो चुका है और इन साइड मैंने इसको सेट कर दिया है, ये आप देख सकते हैं, यह इनका फाइनल लुक। तब तक ले बाय बाय, थैंक यू, लव यू।